भविष्य में अपनी राजनीतिक जो उनकी विरासत है उसको समाप्त समझ रहे थे कांग्रेस पार्टी में, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो लोग बार बार एमपी बने, जो पांच बार चार बार एमएलए बने, विभिन्न विभागों के बार बार मंत्री बने और अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए, अपने बेटे को कांग्रेस का नेता बनाए, अपनी मर्जी से प्रधान बनाए, और वो व्यक्ति वहां बार बार कांग्रेस को नुकसान करने का काम कर रहे थे, फिर भी पार्टी उनको माफ कर रही थी और ये मान के कि आदिवासी नेता है इसलिए इनको सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, और सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया तब भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी मां है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने की कुचेष्टा में इन्होंने एक जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का काम किया है। और जब ज्वाइनिंग की समय ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट से मैं देकर के सबसे सहमति बनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये राम मंदिर बना है, और उसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कोई व्यक्ति राम मंदिर में अयोध्या नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक बहाना बना करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महेंद्रजीत मालवीय जी का जनाधार वहां खत्म हो चुका है, उनकी जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो आम पब्लिक में आदिवासी भाई लोगों में पूरी तरीके से उनको पता लग चुकी हैं, इसलिए आने वाले समय में वो न एमपी बन पाएंगे, न एमएलए बन पाएंगे, न जिला प्रमुख बन पाएंगे। इनके जो चार पांच जो हमारे एमएलए साथी हैं वो कल परसों गहलोत जी से भी मिले थे, मेरे पास भी आए थे, उन्होंने सबने कहा, एक स्वर में कहा कि हम अलग अलग बता सकते हैं कि इस व्यक्ति ने किन किन लोगों को, हम सबको हराने के लिए किन किन लोगों को मदद की। मैं समझता हूं कि ऐसे आचरण के व्यक्ति के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, पार्टी और मजबूत होगी, नई लीडरशिप डेवलप होगी और हम लोग चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो तो देखो मेन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, किसी के खिलाफ एजेंसियों का दबाव बनाना। और मैं समझता हूं कि अगर मालवीय जी इतने बड़े नेता होते तो दिल्ली में तीन दिन धक्के खाने के बाद में वापस इनको यहां आकर के ज्वाइनिंग क्यों करनी पड़ती, वहां पर नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी ज्वाइन करवाते। तो आप समझ सकते हो कि अब उनका समाप्त हो चुका है समय, अब नई लीडरशिप आएगी और कांग्रेस मजबूत होगी, यही मैं कहना चाहता हूं। मंत्री रहते हैं कुछ ऐसी गड़बड़ियों की बात, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे कहती है कि हम पिछले पांच सालों के कार्यकालों की जांच कराएंगे, अगर इनकी भी कराती है तो हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक है। अगर नहीं कराती है, मैं तो नहीं कहता गड़बड़ की होगी, हमारी सरकार में मेरी नजर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की, पारदर्शिता के साथ में काम किए हैं, इसलिए मैं ये आरोप नहीं लगाता कि मालवीय जी ने कोई गड़बड़ की होगी। बट मैं भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर कहना चाहता हूं कि क्या आपके विपक्ष में जब रहते हैं तो सब चोर होते हैं, और ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आपके पास जाते ही सारे दूध के दूल्हे और एकदम ईमानदार हो जाते हैं। तो वो देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने और तमाम नेताओं ने यह कहा कि हम पिछले पांच साल के कार्य जो काल था उसमें जितने भी हैं उनकी सबकी जांचें कराएंगे। तो अगर वो जांचें कराएंगे और उसमें क्या पाया जाएगा वो आने वाला समय बताएगा, आज हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कह सकते। भाई साहब है ना, पूर्वी राजस्थान को भी साधा जा रहा है बीजेपी ने, और उधर से पश्चिम राजस्थान को भी साध रहे हैं, इधर से शेखावटी क्षेत्र को भी साध रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले बीजेपी और भी कांग्रेसी नेताओं से खुशबू लेगी? मुझे लगता है कि अब वो बीजेपी नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी दो से लेकर के और आडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्राएं निकाल करके जनता से
वोट लेती थी और जनता का दिल जीत करके अपना जनाधार बढ़ा रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से हो गई कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाओ और एक वातावरण बनाओ और एक माहौल बनाओ कि देखो कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस से सब जा रहे हैं, इसलिए वोट आप हमको दे दो। मैं समझता हूं कि केवल प्रसेप्शन के लिए ये काम कर रही है, वो इस प्रसेप्शन बनाने में कामयाब नहीं हूं। सर, एक आखिरी सवाल, मोदी जी ने कहा है कि राजनीति के लिए नहीं मैं राष्ट्रनीति के लिए निकला हूं, ये भी एक प्रसेप्शन बनाया। तो कोई भी हम कौन सी राष्ट्रनीति की बात नहीं करते हैं या राष्ट्र के लिए काम नहीं करते हैं। देश का 140 करोड़ के जनता का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करता है, मोदी जी कोई अलग से नहीं करते हैं। तो ये कहना क्योंकि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? और आप और हम भी सब राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं भाई साहब। राष्ट्र सबसे आगे है, राष्ट्र के बाद में ही सब चीजें, राजनीति सब चीजें आती हैं, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो 140 करोड़ लोग सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं। अच्छा भाई साहब, जो बीजेपी में जा रहे हैं नेता, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो पुराना विजन था, इंदिरा का विजन, राजीव का विजन, लेकिन अब वो विजन खत्म हो चुका है कांग्रेस का, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वहां जाकर। वो तो उनको विचारों को जो पढ़ाया जाता है ना कि ये बोलना, उतना ही बोलते हैं, उनके खुद के विवेक से नहीं बोलते हैं। 100% समाप्त होगी, 100। ये भी बात आ रही है कि 30 से पहले और भी बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होगी, तो क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले नहीं? ये काल्पनिक बात है, काल्पनिक बात है। अब ये भी एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा की टिकटों के समय बड़ा भूकंप आएगा और भारतीय जनता पार्टी भी टूट सकती है। तो ये तो खबरें हैं, खबरें सही हैं गलत हैं कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर, आप जब बैठे ही हो तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बनते ही ये कहा था कि अब आज के बाद में कोई पेपर लीक नहीं होगा। तो दो पेपर लीक, एक तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी में था, एकेडमिक उसका ग्रेजुएशन का या पीजी का, और एक एनसीसी का अलवर के अंदर पेपर लीक हुआ है। तो दो पेपर तो बिना प्रतियोगी परीक्षा के ही हो गए, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के जब पेपर होंगे तो इनका क्या हाल होगा, ये देखने लायक होगा। सर, राहुल गांधी का दौरा है, राहुल गांधी आएंगे 18-25 को, क्या क्या रोड में? बिल्कुल, जो अभी टेंटेटिव कार्यक्रम भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी जी का बन रहा है, वो 25 तारीख का हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट में वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद में शायद एक दो दिन का ब्रेक होगा और उसके नेक्स्ट डे फिर अलवर शहर से हम शुरू होकर के और फिर आगे दूसरे स्टेट में वहां पर जाएंगे। तो हम इस तैयारी के लिए 22 तारीख से मैं, रंधावा जी, टीकाराम जूली जी और तमाम हमारे वरिष्ठ सारे नेता, हम लोग यहाँ से दौसा लोकसभा का कार्यक्रम करेंगे, फिर भरतपुर का करेंगे, ऐसे करते करते हम अलवर में जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्थाओं को देखेंगे और राहुल गांधी जी का, उनकी यात्रा का भारी अच्छे संख्या में लोग आएंगे और स्वागत करेंगे और जो हमारा जो फ्लैग सेरेमनी का जो कार्यक्रम होता है उसको हम लोग करेंगे। हाँ, धौलपुर, अलवर नहीं, सॉरी, धौलपुर, दौसा, भरतपुर और हम ऐसे करके धौलपुर आएंगे। धौलपुर में 25 तारीख को उनका कार्यक्रम होगा और फिर शायद बीच में ब्रेक है कुछ दिन का और उसके बाद में हम धौलपुर शहर से कार्यक्रम शुरू होकर के और फिर दूसरे स्टेट में जाएगा। सब रेडी है, सब बहुत संख्या में आवेदन आ रहे हैं, लोग उत्साह के साथ में, युवा लोग बाग आ रहे हैं और पूरे तरीके से एक स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी एक बैठक है, हो चुकी है। बाकी भी हम लोग रोजाना डिस्कशन करते हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो एमएलए हैं, एमएलए कैंडिडेट्स हैं, उन सब से, संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे हैं और हम तैयार हैं। जब भी स्क्रीनिंग कमेटी हमें दोबारा बुलाएगी हम लोग जाएंगे और जब भी सीसी होगी तब हम लोग इसको क्लियर करेंगे।